नमस्कार दोस्तों, मैं हृदेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली कंटेंट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, हम लोग वीडियो की स्टार्टिंग करें उसके पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दें ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारा लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि आपकी जो भी परीक्षा आने वाली है, आगामी परीक्षाएं जो आपकी दो बहुप्रतीक्षित परीक्षाएं हैं यानी कि यूपीपीसीएस की परीक्षा और साथ ही साथ में आपकी आर ओ एर ओ की परीक्षा, इन दो एग्जामों में आपका एक भी करंट अफेयर जो है गलत नहीं हो पाना है। ठीक है, ये हमारा टारगेट है। और दूसरा हमारा टारगेट ये है अल्टीमेटली कि हमें जो है सही तो करना है प्रश्न, लेकिन इसके साथ साथ में हमें अंतिम रूप से अपना चयन भी सुनिश्चित कराना है एग्जाम में। यह हमारा सबसे बड़ा क्या है, टारगेट है। इसके अलावा जो बातें मैं आपको बीच बीच में कुछ एक बताता रहता हूं, कुछ एक बातें मोटिवेशन की बताता रहता हूं कि क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपके हित में है। कई बार क्या होता है कि जो है लोग सुनने के आदि नहीं होते हैं। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप सुनने के, अगर आपके भीतर क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, तो फिर आप चीजों को बेहतर ढंग से आप प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। जब सुनोगे तभी गुनोगे, बिना सुने आप चीजों को नहीं कर पाओगे आप। और आप लोगों ने एक वाक्य जो है नॉर्मली सुना ही होगा कि जो है अच्छा वक्ता वही बनता है जो अच्छा श्रोता बनता है, है ना। तो पहले सुनोगे तब चीजों को बहुत बेहतर ढंग से आप कर पाओगे। और आपको पता है आजकल कि एक नया ट्रेंड चल रहा है और वो ये कि लोग अपनी प्रॉब्लम को बताने के लिए लोगों को हायर करते हैं कि आप मुझसे पैसे ले लो और जो है मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूं, मेरी प्रॉब्लम को सुनो, हाँ में हाँ मिलाओ, कुछ दिक्कत हो तो बताओ। लोग मोटिवेशनल स्पीच सुनने जाते हैं, पैसे देते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों को देखा होगा कई कई लाख रुपए पैसे लेते हैं, एक एक घंटे के, दो दो घंटे के। लोग पैसे देकर जाते हैं सुनने के लिए मोटिवेशन, और यहां पर अगर आपको दो बातें अच्छी बताई जाती हैं तो लोग उससे बोर हो जाते हैं। देखो, अगर कोई चीज आपको लगती है कि ये चीज जो है नहीं सुननी चाहिए तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता होती है, जो बहुत परेशान रहते हैं, जिनके भीतर लगता है कि यार निगेटिविटी कितनी आ गई है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एक लंबे समय तक संघर्ष कर रहे होते हैं, नहीं सफलता मिलती है किसी कारणों से। तो इसलिए चीजों को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक बात अभी मैं इस बात को कह करके अपनी बात को मैं स्टार्ट करूंगा यानी करंट अफेयर्स पाऊंगा कि अगर सफलता देर तक नहीं मिल रही है तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक कोटेशन है बड़ा अच्छा कि सफलता वाली सीढ़ी क्या है, बहुत संकरी है। इस बात को ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये बात ना शायद आपको जो है समझ में आ जाए बहुत अच्छे से कि ये क्या है, सक्सेस की क्या है सीढ़ी है, क्या है सक्सेस की सीढ़ी है। और ये क्या है ना, बहुत कंजस्टेड है, ठीक है। यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे आप भी यहाँ पर खड़े हो। एक ए नाम का व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक बी नाम का पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ, सी नाम का यहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल आप बी नाम के व्यक्ति हो, आप हो यहाँ पर संघर्ष कर रहे हो और ऑलरेडी आप यहां से यहां तक आए हो, अभी यहां जाना है आपको। तो लाइन क्या है कि ये जो सक्सेस यहां पर क्या है, आपकी सक्सेस है, यहां पर क्या है आपकी सक्सेस है यहां पर, ठीक। अब देखो तो कोटेशन क्या है कि सफलता वाली जो सीढ़ी है, ठीक है, ये जो ट्रैक है आपका, ये कि सफलता वाली जो सीढ़ी है वो इतनी सक्रिय है कि सभी एक लोग एक साथ में नहीं चढ़ सकते हैं, यानी कि भीड़ है यहां पर, बहुत सारे लोग लगे हैं भाई, एक लोग सभी लोग तो साथ में नहीं जा पाओगे ना, एक एक करके जाओगे, दो दो करके जाओगे, कुछ नंबर्स में जाओगे, हो सकता है कि आपका नंबर आने में भी टाइम हो, यहां पर आगे बहुत सारे लोग हैं अभी, जब ये ऊपर चले जाएंगे तब आप यहां पर चढ़ जाओगे। तो इसलिए कभी परेशान आपको नहीं होना है, कभी घबराना नहीं है, सुनने की क्षमता को विकसित करिए, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। तो याद रखिएगा कि सफलता वाली सीढ़ी थोड़ी सी संकरी है, सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं, कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें, यानी कि थोड़ा सा वेट कर लें, अपनी तैयारी को छोड़े नहीं कि यहां पर आकर के अपनी तैयारी को ब्रेक कर लेना है, आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको हमेशा आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से जहां पर अगर आप यहां पर हो तो एक ना एक दिन जैसे जैसे नंबर ही आगे बढ़ागा, बढ़ेंगे लोग बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप यहां पर आओगे और फिर सफलता के जो है शिखर तक आप पहुंच जाओगे, ठीक। बात समझ में आ गई? तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है, बस निरंतर जो है चलते रहना है, चलते रहना है, ठीक है। कछुए और खरगोश वाली कहानी पता होगी, बस कछुए की चाल चलनी है, धीरे चलनी है लेकिन लगातार चलनी है, बस। तो ये हो गई कुछ बातें आपके जो आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। और ये मोटिवेशन चीजें अगर आपके भीतर नहीं आती तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग होपलेस हो जाते होंगे, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। खैर, तो लगातार पढ़ाई करिए, परेशान बिल्कुल मत होइए, कहीं कोई समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जहां लगे कि मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए, वैसे तो सुनने की आदत डालनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी लगता है कि यहां पर बातें आप बहुत ज्यादा ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, नहीं सुनना चाहिए, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ाकर देख सकते हो, ठीक है। चलिए, खैर
आते हैं हम आज 13 जुलाई की करंट अफेयर्स पर, और उसके पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं यानी कि 12 जुलाई की करंट अफेयर्स पर, और देखते हैं कि क्या वो प्रश्न आपको आते हैं या नहीं आते हैं। सबसे पहले मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं और आप उत्तर जो है सोचने की कोशिश करिए कि क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हाल ही में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन बने हैं? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जिसके कोच कौन बने हैं तो वो हैं आपके गौतम गंभीर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो एलिसा मद्राजो जी हैं, याद रखिएगा इसको। और FATF इस बार चर्चाओं में रहा है। FATF के बारे में मैंने कई जगहों पर यानी कि कई वीडियोज में मैंने डिटेल्स में FATF के बारे में बताया है आपको, डिटेल्स में आप FATF के बारे में पढ़ लीजिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। FATF से इस बार प्रश्न पूछा जाने की संभावना पूरी पूरी है, पेपर आउट जैसा है समझ लीजिए एक तरीके से, ठीक है। खैर, नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की टीम को किसने स्पॉन्सर किया था? तो अडानी ग्रुप ने किया था, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर पंजीकरण कर माफ करने वाला राज्य कौन सा है? सुंदर सा प्यारा सा आपका कौन? उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा इसको। और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, देखो वधावन बंदरगाह किस राज्य में बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा, ये सबसे बड़ा बंदरगाह होगा। और मैंने कल आपसे कहा था कि जो भी प्राकृतिक बंदरगाह हैं, कृत्रिम बंदरगाह हैं, उनको रेडी कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। 7-8-10 बंदरगाह हैं, उन्हीं से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, रट लोगे तो आपका जो है आराम से जो है बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा वहां से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? बताइए फटाफट। तो वो कौन है? शिव शंकरी हैं, याद रखिएगा इसको, मैंने कल डिटेल्स में इनको बताया था इसके बारे में। इसके अलावा 7 जुलाई माह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने विदेशी दौरे के दौरान दरअसल किस देश के द्वारा उस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? आपको यह बताना है, कल मैंने डिटेल्स में इसको बताया था। तो वह है दरअसल रूस के द्वारा जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को रूस के प्रतिष्ठित जो वहां का नागरिक सम्मान है उसे उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में किस महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाया गया है? तो वो है पीवी सिंधु, और इसके बारे में मैंने कल पेरिस ओलंपिक के बारे में डिटेल्स में आपको बताया था कि क्या कुछ चीजें इसमें और आपको तैयार कर लेनी है। तो ये हो गया हमारा कल का रिवीजन, और अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। और उसके पहले हमने आपसे छोटा सा प्यारा सा प्रश्न पूछा था, जिसका उत्तर हमने कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काफी लोगों ने कमेंट किया था, लेकिन फिर भी कमेंट्स की संख्या कम थी। मुझे आज उम्मीद आपसे है कि ज्यादा से ज्यादा आज आप प्रश्नों का उत्तर देंगे जो मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा। तो कल का हमारा प्रश्न था कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ, और यह क्वेश्चन दरअसल बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है। अक्सर जो है स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, गलती करके चले आते हैं। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण दरअसल कहां पर हुआ था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा। और यह प्रश्न आपके लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा एनी हाउ। और महात्मा बुद्ध हो गए आपके, ठीक है, जैन धर्म हो गया आपका यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये प्राचीन इतिहास में आपके बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको रेडी कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, ओके। बाकी लास्ट में फिर जो है गुप्त गुप्तोत्तर और मौर्य काल। चलिए अब आज आते हैं हम लोग आज के मुख्य परीक्षा पर जो है जो हमारा प्रश्न है यानी कि करंट अफेयर्स का। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण दरअसल कहां पर आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड में, बी भारत में, सी अमेरिका में, या डी जापान में। अभी बिम्स्टेक बैठक के बारे में आप लोग चर्चाओं में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है, और यह आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट भी है। तो दरअसल इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो कहां हुआ था, वो हुआ था आपका थाईलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका इसका क्या सही आंसर। आइए व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का पहला संस्करण थाईलैंड के कहां पर, बैंकॉक में हुआ था, और बैंकॉक अर्थक चर्चाओं में रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो आयोजित किया गया था। इसके अलावा बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 11 जुलाई से कहां पर हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। इसलिए हमने प्रश्न आपसे पूछ लिया कि दरअसल दूसरा तो हो रहा है नई दिल्ली में, पहला कहां पर हुआ था, थाईलैंड के बैंकॉक में। तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में क्या हो, पूछा जा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा विदेश मंत्री कौन, डॉक्टर एस जयशंकर जी हैं इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। आपको पता है इसके पहले वाले कार्यकाल में भी, ठीक है, यानी कि जो सरकार अभी वर्तमान में, इसके पहले भी विदेश मंत्री कौन थे आपके, जो है जयशंकर जी थे, ओके, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न भी आपके इंपॉर्टेंट हो सकता है कि वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है आपके, तो एस जयशंकर हैं, ओके, याद रखिएगा इसको। चलिए अब यह आयोजन बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में, ठीक,
सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। कौन? बिम्स्टेक की जो अभी विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है, दूसरी कहां पर? नई दिल्ली में हो रही है। पहली कहां पर हुई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है। अच्छा, बिम्स्टेक चर्चाओं में है, तो बिम्स्टेक की क्या इंपॉर्टेंस भारत के परिप्रेक्ष्य में हो सकती है, क्या बिम्स्टेक से फायदा होगा भारत को, या वैश्विक परिदृश्य में जो है भारत को क्या फायदा होगा, इस प्रकार के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा में पूछ लेगा या नॉर्मल बिम्स्टेक पर टिप्पणी पूछ लेगा कि बताइए बिम्स्टेक के बारे में लिखिए। तो बिम्स्टेक को आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट भी है। क्या? बिम्स्टेक, ठीक है। यह टास्क नंबर क्या है? फर्स्ट है आपका आज का, ठीक है। क्या टास्क नंबर आपका? फर्स्ट है। नोट करते जाइएगा भाई साहब लोग, ठीक है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, ओके। चलो, टास्क नंबर फर्स्ट क्या है? बिम्स्टेक। बिम्स्टेक क्या है और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको रेडी कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन करते रहिएगा। हाथ पे हाथ रखे रहेंगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, ठीक है। जितना बताता हूं उसको करते चलिएगा, करते चलिएगा, करेंगे अगर अच्छे तरीके से वर्क, तो निश्चित रूप से आपको प्री के साथ मेंस में ही फायदा करेगा, और सिर्फ वीडियो देख करके हाथ बांध के चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। कलम चलानी पड़ेगी, दिमाग चलाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ही सफलता अर्जित होगी, अन्यथा नहीं होगा। आर ओ यारो के भी आप लोग हल्के मत लीजिएगा, बहुत बड़े स्तर पर जो है एग्जाम हो रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जब आप उनसे दुगनी तिगनी चौगुनी मेहनत नहीं करोगे, तब तक जो आपका सिलेक्शन हो पाना बहुत मुश्किल है। और मेहनत ही नहीं, मैं बार बार कहता हूं, मेहनत के साथ में स्मार्ट तरीके को फॉलो करना है। तो जो बताता रहता हूं उसको चुपचाप से नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये नहीं कि बस कलम पेन छोड़ के चल दिए कहीं। आप लोग सोच रहे होंगे सर डांटते रहते हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है ना कि जब तक बातें बताई नहीं जाएंगी, जब तक आपको बार बार हर दिन हर बार 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 एक ही चीज नहीं कही जाएगी, तब तक आपके दिमाग में चीजें जाएंगी नहीं जल्दी, क्योंकि दिमाग एक ऐसी चीज है ना कि रिलैक्स मोड में रहता है, उसको ना एकदम पुश करना पड़ता है, भाई करो करो वर्क करो, तब जा करता है, ठीक है। या तो खुद से आप इतनी मोटिवेट हो कि आप खुद से करो, जो कि बहुत मुश्किल है आज के समय में, ठीक है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है, कहां पर स्थित है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अभी चर्चाओं में रहा है इसलिए प्रश्न बन गया है। तो माउंट एटना जो है आपके इटली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही है। चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि अभी यहां पर क्या हुआ है, इसमें जो है लावा निकला है, यानी कि अभी इसमें क्या हुआ है, इसमें उद्गार उत्पन्न हुआ है। चलिए व्याख्या देखते हैं। माउंट एटना ज्वालामुखी कहां पर है? इटली में है। कई बार आपके जीएस में प्रश्न यहां पर पूछा गया और वनडे एग्जाम में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है आपके, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चर्चाओं में क्यों है? मैंने बता दिया कि हाल ही में एटना और स्ट्रॉबेरी दोनों ज्वालामुखी में क्या हुआ है, अभी विस्फोट हुआ है, यानी कि वहां उसमें जो है अभी जो है विस्फोट होने की वजह से जो है चर्चा में है। और एक प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है कि माउंट एटना दरअसल इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में पीसीएस में कि दरअसल माउंट एटना जो है माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली के किस द्वीप पर अवस्थित है, सिसिली द्वीप पर। घुमा के पूछ लेगा, आप रटे रहोगे इटली इटली, और पूछ लेगा सिसिली द्वीप के बारे में, तो फिर कंफ्यूज होकर चले जाओगे। इसलिए ध्यान रखना कि जो माउंट एटना जो ज्वालामुखी है वो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी भूमध्य सागर में स्थित है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और यहां से एक प्रश्न बहुत प्यारा सा बनता है कि दरअसल इसे भूमध्य सागर का प्रकाश जो है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। तो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए दरअसल किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, तो बिना जो है टेंशन लिए तुरंत आपको बोलना है कौन, स्ट्रॉबेरी कहां पर स्थित है, इटली में, ओके। याद रहेगा ये प्रश्न दोनों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सीधे तौर पर तो आपको याद रखना ही है कि दरअसल एटना और स्ट्रॉबेरी कहां पर है, इटली में है, लेकिन जो आपका एटना है वो कहां पर है, सिसिली द्वीप पर अवस्थित है, और जो ये स्ट्रॉबेरी है ये दरअसल इसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, क्योंकि जब वहां पर उद्गार उत्पन्न होता है तो काफी ज्यादा लाइट जो है क्या होती है वहां पर जनरेट होती है, ओके। याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, बैरन ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। और ज्वालामुखी तैयार कर लीजिएगा, कौन कौन से ज्वालामुखी कहां कहां पर अवस्थित है, और इसके अलावा कौन सा जागृत ज्वालामुखी है, कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, दोनों आपको याद कर रखना है। तो टास्क टू आज आपका क्या है, ज्वालामुखी के बारे में आज आपको पढ़ना है।
किसके बारे में? ज्वालामुखी के बारे में। नोट कर लीजिएगा, ज्वालामुखी के बारे में आपको, ठीक है, ज्वालामुखी के बारे में। ठीक, दो टास्क आपके हो गए, दोनों टास्क को आपको कंप्लीट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, हाल ही में घर घर सोलर योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है योजना, या फिर ऑप्शन नंबर बी असम, सी बिहार, या डी झारखंड में। तो घर घर सोलर योजना, ठीक है, जैसा कि आप लोग इस समय देख भी पा रहे होंगे, ये योजना दरअसल उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, और ये क्या है, बहुत ही अच्छी जो है ये योजना भी है, आपको पता होना चाहिए। तो हाल ही में घर घर सोलर योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है, और दरअसल इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? टाटा पावर के द्वारा शुरू किया गया है। यह पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि फैक्ट आपको याद रखना है। और अपने घर पर सोलर प्लांट अगर आप लगाते हो तो उसके लिए दरअसल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार, क्या करती है, आपको सब्सिडी देती है। और घर में अपने सोलर प्लांट जरूर लगाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ऐसे में जो है जो भी हमारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं उनका हमें भरपूर जो है उपयोग करना चाहिए। और भारत सरकार, जैसा कि आपको पता होगा कि वैश्विक स्तर पर भी हम लोग नेट जीरो की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो है, ऐसे जो है समय में हमें इन चीजों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो टाटा पावर की स्थापना कब हुई थी, अब इसको भी ध्यान रखना। तो 1989 यानी कि 1989 में दरअसल टाटा पावर की स्थापना हुई थी, यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय दरअसल नोएडा में है, यह भी आपको याद रखना है। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है वो गुजरात का मोढेरा गांव है। यह फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा है, तो मोढेरा है, और वो कहां पर है, वो गुजरात में अवस्थित है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चौथा क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता किया गया है, ठीक है, यह हमारा क्या है, चौथा क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी ताइवान, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ताइवान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो हाल ही में भारत द्वारा ताइवान के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता किया गया है, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और यह जैविक उत्पादों के लिए पहला द्विपक्षीय समझौता किया गया है, यह विशेष पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है, तो इसको आपको याद रखना है, वो कौन है, वो है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, APEDA बोलते हैं। तो ये क्या है, कार्यान्वयन जो इसकी एजेंसी है वो है। और इस समझौते के द्वारा क्या होगा कि दरअसल ऑर्गेनिक रूप से, ठीक है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उससे जो उत्पादित जो और प्रबंधित उत्पादों को ताइवान में बिक्री के लिए क्या किया जाएगा वहां पर बिक्री के लिए उसकी अनुमति दे दी जाएगी। और आपको पता होगा इस समय ऑर्गेनिक फार्मिंग की और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में यह समझौता ताइवान के साथ होना भारत के लिए कहे जो है, और दोनों देशों के लिए, इनफैक्ट भारत और ताइवान दोनों देशों के लिए क्या है, एक अच्छी बात है ये, ठीक है, दोनों देशों को इसका भरपूर फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक, याद रखिएगा इसको, में किस देश को अपने पांचवें सदस्य के रूप में क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चार ऑप्शन दिए गए आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात बांग्लादेश जो है क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, ठीक है, किसको, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश को दरअसल पांचवें सदस्य के रूप में इसमें सम्मिलित कर लिया गया है। न्यूज अभी चर्चाओं में रही है, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में बांग्लादेश को अपने पांचवें सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया है, इसको याद रखना है। इसके अलावा अगर बात करते हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2011 में हुई थी। सदस्य देश की बात करते हैं तो भारत, श्रीलंका और मालदीव के त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा समूह के रूप में दरअसल क्या हुआ था, इसका
गठन हुआ था, याद रखना है। और बाद में क्या हुआ कि इसमें जो है आप मॉरिशस को भी क्या कर लीजिएगा, एड ऑन कर लीजिएगा, किसको, मॉरिशस को भी। और पांचवा कौन सा देश हो गया है, बांग्लादेश हो गया है। ओके, इसके अलावा वर्ष 2020 में इसे कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नाम दिया गया था, किसका नाम दिया गया था, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन, किस वर्ष, 2020 में। तो ये सारे फैक्ट क्या है आपके लिए, क्या है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और रूस द्वारा किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर क्या की गई है, सहमति व्यक्त की गई है। और यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को पता होगा, अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दरअसल रूस की यात्रा पे थे और वहां पर कई सारे समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उनमें से एक ये प्रमुख जो है समझौता है, यानी कि दोनों देश मिलकर के दरअसल क्या करेंगे कि 100 अरब डॉलर तक का बढ़ाने पर व्यापार जो है उनका क्या है, बढ़ाने का उनका टारगेट रखा गया है। और किस वर्ष तक ये टारगेट अचीव करने का लक्ष्य रखा गया है, ये टारगेट आपको बताना है कि वर्ष 2028 तक 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर सहमति बनी है, या फिर 2030 तक, या 2032 तक, या फिर 2035 तक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ए बी, यानी कि 2030 तक। आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो हाल ही में भारत और रूस द्वारा वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर क्या की गई है, सहमति व्यक्त की गई है, याद रखिएगा। और यह समझौता भारत और रूस के 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया है, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। और कई बार क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में दरअसल भारत और रूस के संबंधों पर दरअसल अमेरिका कई बार जो है अपनी जो है एक उसको एक तरीके से प्रॉब्लम कह लीजिए या कह लीजिए कि समस्याएं होती हैं। लेकिन चूंकि भारत जैसा जो देश है वो क्या करता है, कूटनीतिक चाल चलता है, उसकी डिप्लोमेसी भारत की बहुत अच्छी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, और वो सभी देशों के साथ मिलकर चलता है। इसलिए अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई सा भी देश हो वैश्विक स्तर पर, भारत के संबंध जो है उससे बहुत ही क्या है, मित्रवत है। अगर जो है कुछ केस को छोड़ दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान को छोड़ दें, तो बाकी सभी देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, बहुत ही मित्रवत हैं। तो जैसे क्या हो गया कि फॉर एग्जाम्पल बीच में क्या है, ये है भारत, ठीक, और फिर क्या हो गया, इधर एक तरफ है रूस हो गया, और एक तरफ क्या है आपका अमेरिका हो गया, ठीक। अब होता क्या है कि अमेरिका और रूस की नहीं पड़ती आपस में, लेकिन भारत की रूस के साथ भी बनती है और अमेरिका के साथ भी बनती है। तो भारत ये क्यों चाहेगा कि हम संबंध जो है किसी की वजह से किसी एक देश के साथ खराब करें। भारत का संबंध अमेरिका के साथ भी बेहतर है, रूस के साथ भी बेहतर है, और बेहतर होना भी चाहिए। लेकिन चूंकि अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर नहीं है, ऐसी स्थिति में कई बार कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और कई बार जो है उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बावजूद इसके भारत ने अपनी पैठ बहुत ही मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बना रखी है, और यह क्या है, भारत के लिए काबिल तारीफ वाली बात है, यानी कि भारत के लिए तारीफ करने वाली बात है, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप लोग मेंस में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ेंगे तो वहां पर देशों के साथ संबंध को आप भली बात समझने का प्रयास वहां पर कर पाएंगे। खैर, अलग का टॉपिक है, मेंस का टॉपिक है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे होंगे पीसीएस की, यूपीएससी की, तो ऐसे जब चीजें कोई जब आपके न्यूज में रहा करें तो उन पर जो है एक विश्लेषण जरूर किया करिए कि क्या कुछ फायदा इससे भारत को होगा, या वैश्विक स्तर पर किसी एक मुद्दे के उठने पर क्या कुछ असर उसका पड़ता है। चलिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में मित्र वन पहल की शुरुआत दरअसल किस राज्य सरकार ने की है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश की पहल है, ये बिहार की है, मेघालय की है, महाराष्ट्र की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार में दरअसल मित्र वन पहल की शुरुआत की गई है। और यह पहल क्या है कुछ, आइए हम लोग इसको देखते हैं फटाफट। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के अंतर्गत मित्र वन पहल की क्या की है, शुरुआत की है। और इसके अंतर्गत क्या होगा, यानी कि इसका अगर मोटो पूछे, यानी कि इसका उद्देश्य पूछे, तो दरअसल उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा यानी कि यूपी नेपाल बॉर्डर पर 35 करोड़ जो है पौधे लगाने का क्या है टारगेट है। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वृक्षारोपण क्या है, अभियान अपने आप में जो है कई जगहों पर लगाया जाता है। अभी हमने आपको दिल्ली में भी वृक्षारोपण प्रोग्राम के बारे में आपको बताया हुआ था कि वहां पर भी वृक्षारोपण कार्यक्रम बहुत ही व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। और वृक्षारोपण ही एक ऐसा जो है सॉल्यूशन है किससे निपटने का, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का, ओजोन डिप्लूशन हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो हीट वेव हो, कुछ भी हो,
किसी प्रकार का प्रदूषण हो, यहां तक कि ध्वनि प्रदूषण को भी रोकने के लिए दरअसल वृक्षारोपण जो है क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और वृक्षों में तीन पेड़ बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट कहे जाते हैं, ठीक है, इनको जरूर लगाया करिए। एक आपका हो गया पहला नीम, दूसरा आप क्या हो गया आपका पीपल, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया आपका बरगद, ठीक है, क्या बरगद। ये तीनों पेड़ जो है अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, और तीनों की तीनों ही पेड़ जो है औषधीय गुणों से भी संपन्न होते हैं। पीपल की पत्तियां दरअसल बहुत हल्की होती है, डंठल उसके बहुत पतली होती हैं, इसलिए हल्की हवा चलने पर भी क्या होता है, ये जो है इसमें सरसराहट के साथ जो है हवाएं चलती हैं और ठंडी हवा इससे निकलती है, और ऑक्सीजन जो है इससे प्रॉपर प्रचुर मात्रा में क्या होता है निकलता रहता है, हमेशा इसके पत्ते क्या होते हैं हरे होते हैं। नीम ऑलरेडी बहुत जो है औषधीय गुण वाला पौधा है, और नीम से भी क्या होता है जो है ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में निकलता रहता है। बजाय इसके कि यूकेलिप्टस का पेड़ लगा रहे हैं या कोई ऐसा पौधा लगा रहे हैं जो है ग्राउंड वाटर लेवल को डाउन कर रहा है, ऐसे पौधे को लगाने से बचें, इस प्रकार के पौधों को लगाने की कोशिश ज्यादा से ज्यादा करें, फायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट है बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक है। ये पिच ब्लैक दरअसल किस प्रकार का अभ्यास है, यानी कि ये वार्षिक है, द्विवार्षिक है, त्रिवार्षिक है, किस प्रकार का है, दरअसल ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि दरअसल बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक प्रति दो वर्ष पर क्या होता है आयोजित किया जाता है। ये पॉइंट आपको दरअसल क्या करना है, याद रखना है। आइए हम लोग व्याख्या देखते हैं इसकी फटाफट। तो बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन प्रति दो वर्ष पर किया जाता है, और यह अभ्यास 12 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। कब से कब तक, 12 जुलाई से लेकर के 2 अगस्त तक। अभ्यास में 20 देशों की वायुसेनाओं के 140 से अधिक विमान और 4400 वायुसेना कर्मी भाग लेंगे। अपने आप में क्या है, एक बहुत बड़ा दरअसल ये सैन्य अभ्यास है। इसके अलावा इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमानों के अलावा सुखोई जो 30 है आपका MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को भी इसमें क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्या है सैन्य अभ्यास है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के प्रश्न पर जिसका उत्तर आपको देना, और बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, ऐसा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो अभी बिगनिंग कर रहे होंगे अपनी प्रिपरेशन की, और उनके लिए एक प्रश्न क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप तैयारी पहले से कर रहे होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन जो अभी बिगनिंग कर रहे होंगे उनके लिए प्रश्न क्या है न्यू होगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको बताना है फटाफट कमेंट करके कि अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी का अंत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 21। फटाफट आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताएं कि दरअसल इसका सही उत्तर क्या होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न का जो है उत्तर आप देंगे। चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा के प्रश्न पर जिसका उत्तर आपको घर पे लिखना होता है, और कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेली बात इसी बात को कहता हूं कि अगर आपका फोकस पीसीएस पे है, यूपीएससी पे है, तो प्रश्नों का जो है लेखन आप घर पे जरूर किया करें, यानी कि उत्तर लेखन किया करें। तो टिप्पणी लिखनी है तीन चीजों पर आपको, किस पे निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है, एक तो ज्वालामुखी पर, भूकंप पर, सुनामी पर, और ये तीन के तीनों ही पॉइंट आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तीनों टॉपिक आपके प्री में भी आते हैं, ठीक है, और प्लस ये आपके मेंस में भी आते हैं, इसलिए इन तीनों को आपको डिटेल्स में जो है क्या करना है रेडी कर लेना है, यानी कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो दो टास्क हमने आपको दिए हैं उन दोनों टास्क को भी आप करते रहिएगा, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो समझ लीजिए कि आपका जीएस प्लस आपका करंट दोनों साथ साथ में क्या होगा प्रिपेयर होता चलेगा, सिर्फ एक घंटे की मेहनत में। आधे घंटे का 20 मिनट का मेरा का वीडियो रहता है मैक्सिमम, और 30-35 मिनट आप अपने जो टास्क को पूरा करने में लगाएंगे, बस इतना ही इतना करिएगा, फिर देखिएगा कि आपको दरअसल इसका कितना बेहतरीन आउटपुट आपको मिलता है। तो ये हो गई आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास, कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जो बातें मैंने शुरुआत में कही आपसे कि आप लोग परेशान मत होइए, सफलता वाली सीढ़ी क्या है, सकरी है, सभी लोग एक साथ नहीं चढ़ सकते हैं, कृपया अपनी बारी आने तक का इंतजार करें, होप मत छोड़ें, लगातार पढ़ाई करते रहें, हम आपके साथ हैं, पूरा सपोर्ट आपके साथ है, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।